हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिमजोल डीएस टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है और ढेर सारे फायदे हैं इस टैबलेट के, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसा साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये ट्रिमजोल डीएस टैबलेट जो कि जीपीपी एक्सेलेट कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 30 रुपए है, जो कि 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कोड ट्रिमाक्सोजोल और इधर को देखते हैं ट्राइमेथोप्रीम 160 mg, सल्फा मैक्थोक्साजोल 800 mg अवेलेबल है। दोस्तों ट्रिमजोल डीएस टैबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, इस टैबलेट को कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। नंबर टू, फोड़ेफुंसी की समस्या हो, उसमें पस बढ़ जाते हैं तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है, तो उसमें यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है। नंबर थ्री, कान में इन्फेक्शन हो, कान में जख्म हो। नंबर फोर, यूटीआई इन्फेक्शन हो, यूरिन में इन्फेक्शन हो, पेशाब रुक रुक कर आना। नंबर फाइव, स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नंबर सिक्स, पुराने से पुराने घाव हो, जख्म हो, तो उसको सुखाने के लिए भी प्रयोग की जाती है इस टैबलेट को। नंबर सेवन, निमोनिया हो। नंबर एट, बाल तोड़ की समस्या हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है इस टैबलेट को। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद। और इसमें प्लेन भी आती है, सिंगल वाली दिन में 3 बार ली जाती है, सुबह, दोपहर और शाम में। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर में और एक शाम में, तो इस तरह ली जाती है। बाकी इसको पीस कर भी इफेक्टिव जगह पर लगाई जाती है, जैसे कि फोड़ेफुंसी हो गए तो उसमें पीस करके लगा जाती है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर वन, प्रेग्नेंट लेडी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर टू, बाय दफा आप अल्कोहल लेते हैं तब भी यूज ना करें। नंबर थ्री, लीवर किडनी पेशेंट यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर फोर, यूज करने वाले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी रिएक्शन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो ट्रिमजोल डीएस टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया इस टैबलेट के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।